नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के धामपुर से है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए भड़काऊ बयान को लेकर धामपुर से भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा ने कहा कि कुछ लोग कांवड़ यात्रा के सौहार्दपूर्ण वातावरण में जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ अधिकारी छिपे हुए एजेंडे के तहत सरकार को बदनाम करने का भी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक विविधता की माला पिरोए हुए विभिन्न धर्मों व संस्कृति का देश है। यदि यह तहजीब देखनी है तो जनपद बिजनौर इसकी मिसाल है। यहां सभी त्योहार आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाते हैं। विधायक अशोक कुमार राणा ने आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर बात कही, जिसमें उन्होंने अपने बयान में बिना नाम लिए कुछ दिनों पहले नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद द्वारा दिए गए कांवड़ यात्रा वाले बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि हमारे देश में वर्षों से कांवड़ यात्रा चली आ रही है, अब लोग इस तरह के भड़काऊ बयान देकर कांवड़ यात्रा के सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र व जनपद में कभी भी इस तरह से किसी भी व्यक्ति ने कोई भी कार्य या बयानबाजी नहीं की है, जिससे कांवड़ यात्रा में विघ्न पैदा हो। उन्होंने सभी से अपील की कि कांवड़ यात्रा में पहले की तरह ही जनमानस सहयोग करें और गंगा जमुनी तहजीब के वातावरण को बनाए रखें। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी छिपे हुए एजेंडे के तहत सरकार को बदनाम करने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के समक्ष ऐसी शिकायतों को रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि यदि कोई भी व्यक्ति कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने का कृत्य करता है तो उन्हें अवगत कराएं। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।